हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैपटॉप बोर्ड की ऑन बोर्ड टेस्टिंग के बारे में, कि अगर हम कोई भी लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है तो उसको ऑन बोर्ड अगर हमें चेक करना है तो उसको कैसे चेक करना होता है, और उसको शॉर्टकट या डिटेल की जो टेस्टिंग होती है वो कैसे चेक करेंगे विद स्कीमेटिक। जो इसका स्कीमेटिक है उसके अकॉर्डिंग जो है हम बोर्ड को जो है प्रॉपर आपको चेक करके हम बताएंगे कि बोर्ड के अंदर जो भी अगर शॉर्टकट में या डिटेल में अगर कोई कुछ भी चेक करना है, कोई भी डेटा सिग्नल या फ्रिक्वेंसी अगर चेक करना है तो उसको आपको कैसे चेक करना होता है। तो हमारे पास ये एक लैपटॉप का बोर्ड है जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसका जो पार्ट नंबर जो है वो LA5471P का है, और ये जो है इसको हमने ऑन किया है और यहाँ पे देखेंगे 1.16 मतलब इस पर डिस्प्ले आ रहा है। और ये डिस्प्ले आ रहा है तो बोर्ड के अंदर जो है कहाँ पर कौन कौन से सप्लाई सिग्नल बन रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा बोर्ड आता है जिसमें जो है डिस्प्ले नहीं आता या ऑन नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसी के भी यहाँ पे जो है इसको आप चेक कर सकते हैं बोर्ड में कि कहाँ पे कौन से सप्लाई मिसिंग है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो है 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन हो रहा है, और यहाँ पे इन होने के बाद जो है इस सेक्शन में पहले तो ये जो सप्लाई जाता है इस कनेक्टर के थ्रू, यहाँ पे बोल्टिन सेक्शन होता है। बोल्टिन सेक्शन जहाँ पे ये कनेक्टर लगा होता है वो बोल्टिन का एरिया होता है, और वहाँ पे जो है 19 वोल्ट की सप्लाई हमें चेक करना होता है। तो इस सेक्शन के अंदर जो बोल्टिन का जो सेक्शन होता है वहाँ पे एक फ्यूज ओवर रजिस्टर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक फ्यूज ओवर रजिस्टर होता है। अब ये जो फ्यूज ओवर रजिस्टर है इस पर आपको 19 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। तो 19 वोल्ट की सप्लाई आप देखेंगे मल्टीमीटर में कि यहाँ पर 19 वोल्ट की जो सप्लाई मैं आपको दिखाऊँ, तो एक पिन को ग्राउंड पर रखते हैं और यहाँ पर हम टच करेंगे तो यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। अगर यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है तो आपका बोल्टिन सेक्शन बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं आता है तो इसको आप डिटेल में चेक करेंगे। अब डिटेल में कैसे चेक करना होता है उसके लिए जो है आप हमें पता है कि इसमें मेन और सपोर्टिंग मॉस्फेट लगा होता है, पर बिना मेन और सपोर्टिंग के ये सप्लाई आगे आउट नहीं कर सकता है। तो इसको स्कीमेटिक के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मॉस्फेट का जो नंबर है PQ74, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम PQ74 डालते हैं, PQ74, और एंटर करते हैं तो ये डायरेक्टली वहीं पे ले जाएगा जो ये मॉस्फेट है वहीं पे ले गया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मॉस्फेट है PQ74 यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा PQ74 तो ये 74 हमने अभी सर्च किया तो आप देखेंगे कि ये 74 जो है PQ74 ये मॉस्फेट दिख रहा है। अब ये मॉस्फेट पे जो सप्लाई आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये डीसी जैक का कनेक्टर है। ये डीसी जैक का कनेक्टर है जो कि आप देखेंगे यहाँ पे ये डीसी जैक के थ्रू होते हुए जो है यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ पे एक क्वाइल है PQ3, और PQ3 क्वाइल से होते हुए इस मॉस्फेट के सोर्स पे सप्लाई जा रहा है PQ3। इसमें मॉस्फेट कहाँ पे, क्वाइल कहाँ पे है, क्योंकि अगर वो क्वाइल ख़राब होगा तभी भी जो है आपका वोल्टेज आउट नहीं होगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये है PQ3, यहाँ पे PQ3 यहाँ पे अगर ये क्वाइल ख़राब हो जाए तो अभी भी यहाँ से वोल्टेज जो है आउट नहीं होगा। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ से 19 वोल्ट की सप्लाई आउट होने के बाद इस मॉस्फेट के किस पे जा रहा है, सोर्स पे। तो देखेंगे PQ74 के सोर्स पे कितना आ रहा है, 19 वोल्ट। मल्टीमीटर में देखिए 19 वोल्ट, इस वाले पिन पर भी 19 वोल्ट और इस वाले पिन पर भी 19 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद से जो है इसके सोर्स पर आने के बाद जो है इसके ड्रेन से आउट होगा, ड्रेन से तभी आउट होगा। इसका गेट आप देखेंगे, गेट एनेबल है यहाँ पे, और गेट पे जो सिग्नल आ रहा है वो कितना आ रहा है, लो वोल्टेज मतलब 9.6 इसके गेट एनेबल हो रहा। अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाए मतलब हाई सिग्नल आ जाए तो ये गेट जो है वो मतलब ये मॉस्फेट एनेबल नहीं होगा और इसके ड्रेन से सप्लाई आउट नहीं होगा। तो ये इसके ड्रेन से जो सप्लाई आउट हो रहा वो कितना आउट हो रहा है, 19 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई जो है आउट हो रहा है। ये कौन सा चैनल मॉस्फेट है, कौन सा गेट मॉस्फेट के गेट को जो है वो लो सिग्नल की रिक्वायरमेंट होता है,
एन चैनल या पी चैनल? एन चैनल। एन चैनल के गेट को जो है लो सिग्नल की रिक्वायरमेंट होता है या हाई सिग्नल की? पी चैनल। पी चैनल जो मॉस्फेट होता है उसको लो सिग्नल की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे लो सिग्नल आ रहा है और लो सिग्नल होते हुए जो है इधर से ड्रेन से सप्लाई आउट हो रहा है, कितना 19 वोल्ट की सप्लाई। और यही 19 वोल्ट की जो सप्लाई है वो आप देखेंगे मल्टीमीटर में, सही से ग्राउंड नहीं हो रहा, यहाँ से 19 वोल्ट की सप्लाई जो है आउट होगा। ये 19 वोल्ट की सप्लाई आउट हुआ और ये दूसरे मॉस्फेट के किस पे जा रहा है? दूसरे मॉस्फेट के ड्रेन पे जाएगा। तो दूसरा मॉस्फेट हम कैसे कंफर्म करेंगे? इसको कॉपी करेंगे, इस वाले पॉइंट को कॉपी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉस्फेट दिखा रहा है। इसको कॉपी करने के बाद इस पे यहाँ पे हम सर्च करेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम अगर सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए यहाँ से जो सप्लाई आउट हुआ वो कौन सा पी क्यू, यहाँ पे जो मॉस्फेट का नंबर है वो है पी क्यू 80। पी क्यू 80 का जो मॉस्फेट है वो किधर गया, पी क्यू 80, ये देखिए ये वाला मॉस्फेट है पी क्यू 80। और ये जो मॉस्फेट है ये भी कौन सा चैनल मॉस्फेट है? ये भी पी चैनल मॉस्फेट है। तो इसके ड्रेन पे सप्लाई आ रहा है तो सोर्स से ऑटोमेटिक सप्लाई चला जाएगा, इसके गेट के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो इसके ड्रेन पे जो सप्लाई आ रहा है वो कितना आ रहा है? 19 वोल्ट। इसके ड्रेन को जो सप्लाई मिलेगा वो 19 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा प्रॉपर, यहाँ पर आप देखेंगे 19 वोल्ट, इसके 19 वोल्ट, इसके ड्रेन पे भी सप्लाई आएगा 19 वोल्ट, यहाँ पे भी 19 वोल्ट, हल्का सा यहाँ पे ये 19 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, इन चारों ड्रेन पे, इसके चारों ड्रेन पे 19 वोल्ट आ रहा है। इसके सोर्स से जो सप्लाई आउट होगा ये भी कितना आउट होगा? 19 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ से सोर्स से आउट होगा, और यही सोर्स आउट होकर सीधे कहाँ जा रहा है? पी आर रजिस्टर। ये पी आर 145, पी आर 145 का जो रजिस्टर है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे ये रजिस्टर है पी आर 145, तो इस रजिस्टर पे हमें 19 वोल्ट की सप्लाई जो है मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रहा है तो इसका बहुत सारा रीज़न होता है। पहला रीज़न ये है कि इस सेक्शन में अगर कहीं शॉर्टिंग होगा तभी भी 19 वोल्ट की सप्लाई आउट नहीं होगा, अगर ये मॉस्फेट पे इसका गेट एनाबल नहीं होगा तभी भी 19 वोल्ट की सप्लाई आउट नहीं होगा, अगर गेट मॉस्फेट का गेट जो है हाई होगा तभी भी 19 वोल्ट की सप्लाई आउट नहीं होगा, अगर पीछे से एडाप्टर से ही प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रहा है तभी भी जो है इसका गेट जो है वो या इसके ड्रेन पे सप्लाई नहीं आएगा और यहाँ से वोल्टेज आउट नहीं होगा। तो अगर ये फ्यूजर रजिस्टर पर 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनता है तो हम करते क्या है कि इस फ्यूजर रजिस्टर को निकाल देते हैं, इस फ्यूजर रजिस्टर को निकाल के दोबारा जो है एडाप्टर मतलब ये डीसी जैक का ये केबल लगा कर और फिर इस फ्यूजर रजिस्टर के पॉइंट पे मतलब इसके जो इनपुट पॉइंट है इस पे 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। अगर फ्यूजर रजिस्टर निकालने के बाद इसके इनपुट पॉइंट पे 19 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है और फ्यूजर रजिस्टर जब लगा रहे हैं तो नहीं बन रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो वोल्टिंग सेक्शन का नहीं है, ये प्रॉब्लम है यहाँ से जो 19 वोल्ट की जो सप्लाई आउट हो रहा है जैसे कि स्टेप डाउन को जाता है, बीआरएम सेक्शन को जाता है, रैम सेक्शन को जाता है, ग्राफिक सेक्शन को जाता है, पीसीए सेक्शन को जाता है, बैटरी सेक्शन को जाता है, एलबीडीए सेक्शन को जाता है, इन सब सेक्शनों में कहीं भी दिक्कत होगा उसके वजह से ये वोल्टेज यहाँ से आउट नहीं होगा। तो इसको भी हमने आपको बताया है कि इसको अगर लीकेज है शॉर्टिंग है तो इसको कैसे आपको विद डीसी पावर सप्लाई मशीन के द्वारा या विदाउट डीसी पावर सप्लाई मशीन के द्वारा इसको हमें कैसे कंफर्म करना होता है कि यहाँ पे जो दिक्कत है वो किस कंपोनेंट किस सेक्शन के कंपोनेंट के वजह से आ रहा है। आप डीसी पावर सप्लाई से भी चेक कर सकते हैं या विदाउट डीसी पावर सप्लाई से जो अलग अलग तरीका बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीका है। तो यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है इसका मतलब है कि वोल्टिंग सेक्शन बिल्कुल हमारा ओके है। अब यहाँ से 19 वोल्ट की सप्लाई जो आगे को आउट होता है वो कहाँ पे जाता है? यहाँ से 19 वोल्ट की सप्लाई जो है अलग अलग सेक्शन को जाएगा, जिसमें हम अगर बात करें शॉर्टकट की अगर टेस्टिंग की तो इस बोर्ड में आप देखेंगे तो इस सेक्शन में यहाँ पे इसमें बहुत सारा क्वाइल लगे हुए हैं, बहुत सारा इस बोर्ड के अंदर क्वाइल लगे होते हैं। अब ये क्वाइल जो लगा हुआ है इस क्वाइल का क्या काम है? इस क्वाइल से हम शॉर्टकट में मतलब बोर्ड के अंदर जो भी शॉर्टकट जो टेस्टिंग है वो शॉर्टकट टेस्टिंग से हम कंफर्म कर सकते हैं कि इस बोर्ड के अंदर अगर हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है या डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो विद इन सेकेंड के अंदर कि किस सेक्शन में इशू है किस सेक्शन में इशू नहीं है। वो हम कैसे पता करेंगे?
तो इस सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें कि जितने भी क्वाइल लगा हुआ है उस क्वाइल पे हमें उस सेक्शन का उसका वोल्टेज हमें चेक करना होता है, जो कि हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे पूरा डिटेल से कि हमें इसको कैसे चेक करना होता है। आपने जो है देखा होगा वोल्टिन सेक्शन को, हमने इसको चेक किया। अब अगले जो वीडियो में जो है स्टेप डाउन सेक्शन के बारे में पूरा, प्लस बोर्ड के अंदर जितने भी क्वाइल लगे हैं इस क्वाइल से हम शॉर्टकट में कैसे कंफर्म करेंगे कि इस बोर्ड के अंदर हमें विदिंग सेकेंड या विदिंग मिनट के अंदर जो है बोर्ड में कहाँ पे इशू है, उसका शॉर्टकट तरीका क्या है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।